गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू शरीर में दुबला पतला था, वही मोलू मोटा और गोल मटोल। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उन दोनों की जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले दोस्त का निमंत्रण आया। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके दोस्त का गाँव बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों चल दिए। जब वह जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन मोलू मोटा होने के कारण तेज नहीं दौड़ सकता था। उधर भालू भी सामने आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मरे हुए शरीर को नहीं खाता है। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसा अभी नहीं किया मानो शरीर में प्राण ही नहीं है। भालू घुरघुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे और शरीर को सूंघा, उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र मैंने देखा था भालू तुझसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ, और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा था। उसने कहा, गोलू पर विश्वास ना करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। यह सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उसने कितनी भारी गलती हो गई है। उनकी मित्रता भी सदैव के लिए खत्म हो गई थी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपका सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय काम आए।